मसीही नौजवान को दूसरी शादी महंगी पड़ गई। अदालत ने 9 साल कैद की सजा सुना दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शिरकी की अदालत ने पाकिस्तान क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के खिलाफ वर्जी पर मसीही नौजवान जोशुआ इलियास को मजमूई तौर पर 9 साल कैद और मजमूई तौर पर 30,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि मुलजिम ने अगर जुर्माने की रकम अदा नहीं की तो मजीद 2 माह कैद की सजा भुगतना होगी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम जोशुआ इलियास की 1.5 साल कबल आस्टर नामी खातून से शादी हुई थी। मुलजिम ने शादी के बाद अपनी अहलिया आस्टर को दुबई भी भेज दिया। आस्टर जब वापस आई तो पता चला कि शोहर ने दूसरी शादी कर ली है। पाकिस्तान क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत दूसरी शादी करना जुर्म है। पाकिस्तान क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत दी जाने वाली सिंध में ये पहली सजा है। मुलजिम के खिलाफ इसकी पहली बीवी आस्टर ने महमूदाबाद थाने में अदालती हुक्म पर मुकदमा दर्ज करवाया था।